टुडे आई स्टडी इन स्ट्रेटेजिक गेम जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी करेंगे। जनरल नॉलेज में हम इट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और जीएस में हम कंसेप्चुअल और वाइड स्टडी करते हैं अबाउट ए पर्टिकुलर फील्ड के लिए। जनरल नॉलेज में करंट नॉलेज और स्टेटिक नॉलेज, करंट नॉलेज में स्टडी अबाउट करंट सिनेरियो एंड करंट अफेयर के बारे में स्टडी करते हैं। और स्टेटिक नॉलेज में फैक्ट आर नेवर गोइंग टू चेंज, जो फैक्ट्स कभी चेंज नहीं हो सकते उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई स्टडी इन स्टेटिक जीके, ये सिलेबस है हमारा। सबसे पहले हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें पर्यटन स्थल जो विषम और भारत के टूरिज्म प्लेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो प्रमुख हमारे लिए जो फेमस है, जैसे कोई आर्किटेक्चर्स, प्ले, स्मारक, खेल और ट्रॉफी, अवार्ड्स वगैरह हो गए, पुरस्कार संगठन हो गए, पुस्तक, बुक्स और ऑथर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में करेंगे और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ, हम इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे वर्ल्ड के और इंडिया के, मेजर रिवर्स एंड डैम्स लेक। हम स्टडी करेंगे फर्स्ट राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम, गवर्नर, गवर्नर जनरल के बारे में स्टडी करेंगे। प्रमुख मॉस्क्यूज, मकबरे, टेंपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रमुख फेयर्स के बारे में करेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में करेंगे, डांस, डिजीज और प्रमुख घास के मैदान। इम्पोर्टेंट डे स्टडी करेंगे, कैपिटल्स एंड करेंसीज के बारे में करेंगे स्टडी। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF और मेजर्स बैंक के बारे में स्टडी करेंगे। और GI टैग, जनजाति, विश्व की और भारत की, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा है स्टेटिक जीके का सिलेबस। फर्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? एनी एरिया विच हैव इट्स हिस्टोरिकल, कल्चरल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, जिसमें हिस्ट्री हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो और साइंटिफिक हो। ये एडमिनिस्टर बाय यूनेस्को द्वारा एडमिनिस्टर है। इसकी डेफिनेशन होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और 1945 में बना था, 1945 इन पेरिस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को, यूनाइटिंग नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में बना था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। जो वर्ल्ड हेरिटेज समिति है यह 1972 में बनी थी। इसको हिंदी में विश्व विरासत दिवस के रूप में बनाया गया था 1972 को। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। 1983 में ये ऑफिशियली सेलिब्रेट किया था, सबसे पहले टूनेशिया में। इसमें हम इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसके कल्चर, कला और संस्कृति, कुछ कल्चरल और कुछ हिस्टोरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रकृति और मानव के मध्य जो संबंध की जानकारी इसमें मिलती है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इससे टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलता है। हेरिटेज साइट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट नेचुरल सेकंड कल्चरल और थर्ड मिक्स्ड। फर्स्ट में नेचुरल, साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सेकंड कल्चरल में हम हिस्टोरिकल एंड कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, और मिक्स्ड में हम नेचुरल और कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। साइंटिफिक नेचुरल में साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल हेरिटेज साइट है वे 7 है, कल्चरल 32 और मिक्स्ड 1 हेरिटेज साइट है। इसमें हम इमारतें, मंदिर, मस्जिद और गुफा के बारे में स्टडी करेंगे। और कल्चरल में नेचुरल भी होंगी और कल्चरल भी होंगी, बहुत बारे में स्टडी करेंगे। इसमें एक ही हेरिटेज साइट है नेचुरल में, जो सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट है वो कहाँ है, इटली में। कितनी? 58। 58 फर्स्ट जो इंडिया की थी वो कौन सी? इंडिया में, वर्ल्ड में टोटल 1157 ये इतनी इतनी हेरिटेज साइट है, और इंडिया में 40 हेरिटेज साइट है। फर्स्ट हेरिटेज साइट है आगरा का किला, आगरा का किला जो 1983 में इसको बना गया था फर्स्ट हेरिटेज साइट। और जो अभी बना है वो धोलावीरा जो गुजरात में है, 2021 में इसको हेरिटेज साइट बना गया है। फर्स्टली आई स्टडी इन नेचुरल हेरिटेज साइट के बारे में स्टडी करेंगे, नेचुरल हेरिटेज के साइट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले 1985 में कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर, कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है, ये रहा। और इससे ऊपर जो रिवर जाती है, ये रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसके ऊपर ये मानस रिवर है, ये यहाँ पर मानस है, ये कांजीरंगा। ये 1985 में कांजीरंगा नेशनल पार्क को फर्स्ट हेरिटेज साइट बनाया गया था। फर्स्ट तो है आगरा का किला, जो नेचुरल हेरिटेज साइट में फर्स्ट है कांजीरंगा नेचुरल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? लोकेटेड इन असम। ये कहाँ? बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके किनारे है ये। ये फेमस है एक सिंग वाला गेंडा, वन होर्न राइनो। सेकंड मानस नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? असम में, मानस नदी के किनारे। ये किसके लिए फेमस है? वर्ल्ड वाटर बफेलो, जंगली पानी वाली घास के लिए फेमस है। थर्ड केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी ये लोकेटेड है भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान है, केवलादेव और भरतपुर राजस्थान में है। ये भी 1985 में हेरिटेज साइट बना था। ये फेमस है लोकेटेड इन माइग्रेटिंग बर्ड, बोल जिसे कहते हैं प्रवासी पक्षी। ये गंभीर नदी के किनारे हैं, बैंक ऑफ गंभीर रिवर। ये फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ये फ्लेमिंगो हुए सार्स के जैसा होता दिखाई देता है। फोर्थ है सुंदरवन, सुंदरवन सुंदरवन है फोर्थ। ये डेल्टाई क्षेत्र है, ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी दोनों है, यहाँ दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं। इसे सुंदरवन को 1987 में फोर्थ हेरिटेज साइट बना दिया था, नेचुरल हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर दिया था। ये फेमस है, यहाँ पर मैग्रो वन है, मैग्रो वन है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। फेमस फॉर फ्लोरा, फ्लोरा मतलब रॉयल बंगाल टाइगर। सिक्स पॉइंट है पिस्मी घाट, पिस्मी घाट कब बना था? 2012 में, 2012 में। ये फेमस है सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी बोलते जैव विविधता और पर्वतीय क्षेत्र के लिए। ये इसे इस एरिया इस बंगाल पिस्मी घाट को ये बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट एरिया है। और सेवन्थ सेवन्थ है ग्रेट हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में हेरिटेज साइट बनाया गया था। और एट्थ है एक नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, ये 1988 में हेरिटेज साइट बनाया गया था। ये फेमस ये ऋषि गंगा के किनारे है, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और ये फेमस फॉर स्नो लिपर्ड्स और हाईएस्ट पीक, वो एक धार्मिक स्थल है। इसे 1988 में हेरिटेज साइट बनाया गया था। ये हो गए सेवन हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज साइट। फर्स्ट 1985 में कांजीरंगा, मानस नेशनल पार्क और केवलादेव
केवलादेव बड़ सेंचुरी, ये दोनों असम में है, ये भरतपुर राजस्थान में है। फेमस फॉर 1499 वर्ल्ड वाटर बफेलो, और केवलादेव माइग्रेटिंग वर्ल्ड के लिए फेमस फॉर फ्लेमिंगो। फोर्थ सुंदरवन डेल्टा फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, फेमस फॉर फेलोरा। फिफ्थ नंदा देवी फेमस कहाँ पर है, उत्तराखंड में, फेमस फॉर लिपर्ड स्नो लिपर्ड्स के लिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और सिक्स्थ है पश्चिमी घाट, यहाँ पर सबसे अधिक बार जीवित पाए जाते हैं, हॉटस्पॉट एरिया है और पर्वतीय क्षेत्र है। सेवन्थ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, से 2014 में हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। ये होगी सेवन नेचुरल हेरिटेज साइट। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।